कोई भी बिगिनर अगर स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमाना चाहता है, अगर स्टॉक मार्केट को करियर बनाना चाहता है और ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमाना चाहता है, अगर बिगिनर टू प्रोफेशनल की जर्नी में कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, मिनिमम इनपुट दे के मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहता है, आसानी से ये जर्नी पार करना चाहता है, तो इनिशियली इन द स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट मस्ट बी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तभी ही शुरुआत करना जब पहले से ही तुम्हारा कोई इनकम ऑफ सोर्स शुरू रहे, क्योंकि कोई भी बिगिनर ट्रेडर स्टॉक मार्केट को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहे तो जो जो डिसिप्लिन और पेशेंस लगता है ट्रेडिंग के लिए, वो डेवलप होने के लिए काफ़ी सालों का टाइम लग जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी बिगिनर ट्रेडर स्टॉक मार्केट को अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहे, उसे वो ट्रेडिंग के लिए लगने वाला डिसिप्लिन एंड पेशेंस डेवलप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइमरी सोर्स सिर्फ इनकम नहीं देगा, साथ में पेशेंस और डिसिप्लिन भी देगा। और नीड, एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, इन भारी भरकम शब्दों का अच्छे से मतलब भी मालूम पड़ेगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रखने से होगी सिर्फ एक ही चीज़ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थोड़े धीमे हो जाएंगे। ट्रेडिंग पूरा गेम साइकोलॉजी का है, टोटली माइंड साइकोलॉजी। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स से होगा ये कि यू विल बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग, यू विल बी प्रिपेयर मेंटली, आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इफेक्टिवली रिलेट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि अगर स्टॉक ट्रेडिंग प्राइमरी सोर्स रहा तो ये इम्पॉसिबल है, इट इज़ 100% रियलिस्टिकली पॉसिबल, बट साइकोलॉजिकली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ अ नेचर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं जाना है, सफ़र लंबा है और रास्ता सुनसान है, और आप अकेले हो, कैसा लगेगा? डर तो लगेगा ना, अनकम्फर्टेबल लगेगा कि बहुत दूर जाना है और पूरा का पूरा रास्ता खाली है, कैसे जाऊँगा अकेला। अगर सेम सिनारियो में कोई अगर साथ में रहता तो प्रैक्टिकली साथ में होने से कुछ होगा नहीं, पर साइकोलॉजिकली मन में सपोर्ट मिलेगा। वो कहावत है ना, एक से भले दो सही, वैसे ही लाइफ की फाइनेंशियल जर्नी में स्टॉक मार्केट अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो लाइफ में रिस्क काफ़ी हाई होगी। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के इनकम के साथ अगर कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर आपकी रिस्क जो है वो टोटली मैनेज हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी। अगर आप प्राइमरी बिजनेस को समझते हो, जानते हो, अगर उसमें काम करते हो, तो आप ये सेकेंडरी स्टॉक मार्केट के बिजनेस को उससे रिलेट कर पाओगे और उसको भी समझने लगोगे, जानने लगोगे। उससे होगा क्या कि आप लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हो।